अशोक लेलैंड की शेयर प्राइस 2014 में से 14 रुपीज़ के आसपास थी, जो 2018 तक यानी 4 सालों में 14 रुपीज़ से 160 रुपीज़ के आसपास चली गई। अब 160 जाने के बाद अगले कुछ सालों में शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा गिरी और अब फिलहाल कंपनी की शेयर प्राइस 170 रुपीज़ के आसपास है। अब इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि यहाँ से आगे कौन से साइक्लिकल डायरेक्शन ये स्टॉक पकड़ेगा। देखिए, अशोक लेलैंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आता है और ये एक बहुत ही साइक्लिकल इंडस्ट्री है। साइक्लिक इंडस्ट्री क्या होती है, कैसे वो काम करती है और किस तरह से यहाँ पर बिजनेस की और शेयर प्राइस की साइकिल चलती रहती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो आज के इस वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि फिलहाल अशोक लेलैंड कौन सी साइकिल में है और ये साइकिल कैसे पता करते हैं, इसके बारे में भी आज हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। अशोक लेलैंड की जो हिस्ट्री है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और इस बिज़नेस को अच्छे से समझने के लिए हमें उसकी हिस्ट्री समझना भी ज़रूरी है। देखिए, हमें आज़ादी मिलने के बाद इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो कई सारे लोगों को इनवाइट कर रहे थे कि आप बिज़नेस शुरू कीजिए, इंडिया में जॉब्स क्रिएट कीजिए, क्योंकि देश की आज़ादी तो हमें मिल गई है, अब हमारा काम है कि देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना। और इसी के चलते फिर कई सारे फ्रीडम फाइटर्स बिज़नेस शुरू करने लगे। ऐसे ही एक फ्रीडम फाइटर थे रघुनंदन सारन, जो कि पंजाब से थे, और उन्होंने अशोक मोटर्स नाम की कंपनी चेन्नई में शुरू की, जिसका शुरुआत में काम ये था कि ऑस्टिन मोटर्स, जो कि इंग्लैंड की एक कंपनी थी, उसके पार्ट्स को असेंबल करना और उसे मैन्युफैक्चर करना। अपना ये बिज़नेस बहुत अच्छे तरीके से वो चला रहे थे, तभी उनको कुछ ही महीनों में पता चला कि इंडिया में जिस तरह से इकोनॉमी आगे चलकर अभी ग्रो करेगी, उसके लिए इंडिया को कमर्शियल व्हीकल्स की ज़रूरत है, यानी ट्रक्स वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम ट्रक के बिज़नेस में जाते हैं तो बहुत बड़ा पोटेंशियल यहाँ पर हो सकता है। तभी रघुनंदन जी ने देखा कि इंग्लैंड में एक कंपनी है लेलैंड मोटर्स, जो ट्रक का बहुत अच्छा काम करती है। उनके ट्रक्स क्वालिटी और बाकी चीज़ों में बहुत अच्छे हैं, अगर हम उनसे टाई अप करते हैं या फिर उनका लाइसेंस लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, तो इंडिया में हम उनकी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करके बेच सकते हैं। उन्होंने फिर लेलैंड मोटर्स को अप्रोच किया और बाद में लेलैंड मोटर्स ने 7 साल का लाइसेंस कंपनी को दे दिया कि आप लेलैंड के ट्रक्स इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और इन 7 सालों में कंपनी ट्रक्स का बहुत अच्छा बिजनेस करने लगी, जिसके चलते लेलैंड मोटर्स ने, जो रघुनंदन सारन और उनकी फैमिली का 40% स्टेक था, वो खुद खरीद लिया और कंपनी का नाम बदलकर अशोक लेलैंड कर दिया। अब ये अशोक कहाँ से आया, तो रघुनंदन सारन के अकेले जो लड़के थे उनका नाम अशोक था, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम अशोक मोटर्स रखा था और लेलैंड का लेलैंड। तो इस तरह से अशोक लेलैंड की शुरुआत हुई। जैसे ही पूरा कंट्रोल लेलैंड मोटर्स के हाथ में आया, तब लेलैंड ने क्या किया, बसेस पर फोकस करना शुरू किया, यानी ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू है। साथ ही उन्होंने डबल डेकर बसेस वगैरह बनाना शुरू किया, जिसे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। लेकिन जल्द ही कंपनी फाइनेंशियल ट्रबल में आ गई, बिजनेस भी कुछ खास चल नहीं रहा था। तभी यूके के रोवर ग्रुप ने लेलैंड मोटर्स से अशोक लेलैंड का स्टेक खरीद लिया और कंट्रोल अपने हाथ में रखा। इसी बीच हिंदुजा ग्रुप, जो कि यूके बेस्ड एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है, वो कुछ ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनी में एंट्री करने की प्लानिंग कर रहे थे, पर्टिकुलरली कमर्शियल व्हीकल्स में, और उन्हें अशोक लेलैंड में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी, जिसके चलते उन्होंने अशोक लेलैंड का स्टेक रोवर ग्रुप से खरीद लिया और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया। तो इस तरह से रघुनंदन सारन ने शुरू हुई कंपनी लेलैंड मोटर्स के पास गई, फिर रोवर ग्रुप के पास गई और फाइनली वो हिंदुजा ग्रुप के हाथ में आई, जो फिलहाल इस कंपनी को चला रहे हैं। आज अशोक लेलैंड 49,000 करोड़ की कंपनी है, जिनके पास कमर्शियल व्हीकल का 15% मार्केट शेयर है। अगर हम बस सेगमेंट की बात करें तो उनके पास 31% मार्केट शेयर है बस में, तो उनके पास बस का 31% मार्केट शेयर है और मीडियम और हेवी गुड कैरियर्स का भी 31% मार्केट शेयर है। देखिए, अशोक लेलैंड के बारे में अच्छी बात यह है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2 प्लेयर्स आते हैं। पहले वो प्लेयर्स जो डाइवर्स ऑटो प्लेयर्स हैं, यानी वो अलग अलग तरीके की गाड़ियां बनाते हैं, पैसेंजर व्हीकल भी बनाएंगे, कमर्शियल भी बनाएंगे, बाकी और कुछ भी बनाएंगे। कुछ ऐसे होते जो बहुत ही फोकस्ड होते हैं, कमर्शियल तो कमर्शियल पर फोकस करेंगे, पैसेंजर तो पैसेंजर पर फोकस करेंगे। और ऐसे ही कुछ है मारुति सुजुकी और अशोक लेलैंड। मारुति सुजुकी का मेन फोकस पैसेंजर पर है और अशोक लेलैंड का जो मेन फोकस है वो कमर्शियल व्हीकल्स पर है। और इसीलिए अगर आप इन दोनों कंपनीज को बाकी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी से कंपेयर करेंगे तो इनकी ग्रोथ रेट आपको थोड़ी बेटर नजर आएगी। टाटा मोटर्स, जिसकी पिछले 10 साल की ग्रोथ कंपाउंडेड सालाना सिर्फ 5% है, महिंद्रा एंड महिंद्रा की पिछले 10 साल की कंपाउंडेड सालाना ग्रोथ 13% के आसपास की है, वहीं पर मारुति सुजुकी की 10 साल की कंपाउंडेड सालाना ग्रोथ 21% और अशोक लेलैंड की 26% है। देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की शायद कई सारी चीज़ें आपको पसंद आए, लेकिन इस इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो ये है कि ये एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है। अब आप पूछेंगे साइक्लिकल इंडस्ट्री क्या होती है, तो आपको बता दूं कि जैसे कि पीटर लिंच डिफाइन करते हैं कि साइक्लिकल इंडस्ट्री में कंपनी के रेवेन्यू और कंपनी के प्रॉफिट्स कंप्लीटली इकोनॉमिक साइकिल को फॉलो करते हैं। अब इकोनॉमिक साइकिल कैसे काम करती है, तो वो कुछ इस तरह से काम करती है। यहाँ पर मार्केट में पहले रिकवरी होती है, फिर एक्सपांशन होता है, फिर एक्सपांशन के बाद स्लो डाउन आने लगता है, रिसेशन आता है, और इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। अगर हम अशोक लेलैंड को देखते हैं तो उसके बिजनेस में और उसके शेयर प्राइस साइकिल में करीब 6 से 7 साइकिल्स पिछले 20 साल में आ चुके हैं, जो कुछ ऐसे हैं। अब 2020 में जब इंडिया की इकोनॉमी भी निगेटिव में चली गई थी, उस टाइम लगभग रिसेशन जैसी सिचुएशन में हम थे, उसके बाद इकोनॉमी रिकवर हुई
और अब आप देखेंगे तो अभी फ़िलहाल हम एक्सपांशन मोड में हैं। तो ये जो एक्सपांशन मोड है ये ऑटोमोबाइल सेक्टर या फिर किसी भी साइक्लिकल इंडस्ट्री के लिए अच्छा एंट्री पॉइंट नहीं होता है, ये चीज़ आपको समझनी है। आपकी एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए जब मार्केट एक्सपांशन मोड में है या फिर जहाँ से रिकवरी नज़दीक पॉसिबल है। तो इस पर भी पीटर लिंच कहते हैं कि जब भी आपको लगता है कि इकोनॉमिक साइकिल अभी रिकवरी मोड में आ जाएगी तब आपको एंट्री लेनी चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी साइक्लिकल इंडस्ट्री है ये सभी के लिए नहीं है। अगर आप 5 साल 6 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये आपके लिए है ही नहीं। ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जो बहुत लंबा सोच रहे हैं, बहुत लंबा इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर 2-3-4 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब 2-3-4 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपके एंट्री और एग्जिट बहुत मतलब अच्छे होने चाहिए और इसीलिए बहुत रिस्की हो जाता है 2-4 साल के लिए। लेकिन अगर आप बहुत लंबा टाइम होराइजन रखते हो, देखिए लंबा टाइम होराइजन कोई तभी रखेगा जो जब वो बहुत कॉन्फिडेंट है उस कंपनी पर। जैसे रॉयल इनफील्ड की बात करें आयशर मोटर्स की, तो बहुत सारे लोग उस रॉयल इनफील्ड की जो मनपली है उस पर बहुत ज़्यादा बुलिश थे और उसके बेसिस पर उन्होंने शेयर प्राइस पर राइड किया और बहुत सारा प्रॉफिट भी कमाया बहुत ही लॉन्ग टर्म में। लेकिन अगर आप इसमें 5 साल रहेंगे तो जैसे कि अशोक लेलैंड की बात है तो पिछले 5 साल में कंपनी का जो रिटर्न है वो ज़ीरो है। इसी बीच आपको बैंक ने अच्छे खासे रिटर्न दे दिए होते हैं लेकिन इस स्टॉक ने आपको लगभग जीरो दिया, बिकॉज ये साइक्लिकल इंडस्ट्री में आता है। इसीलिए अगले 1-2 साल में यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं क्योंकि अभी फिलहाल हम एक्सपांशन मोड में हैं। लेकिन जो इसका एक्सपांशन मोड है ये सही बाय टाइम नहीं होता है। अब देखिए इंडिया में जितने अलग अलग सेक्टर्स हैं ना उनमें बहुत सारे अलग अलग एनालिसिस आपको अप्लाई करने होते हैं और इन सारी चीज़ों के बारे में हमने अपने फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स में बहुत डिटेल में बात की है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के बारे में और कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में भी, और इतनी आसानी से कोई बिगिनर भी समझ पाए। और इस कोर्स की खास बात ये कि 5-डे नो क्वेश्चंस रिफंड पॉलिसी आपके लिए है अगर आपको ये कोर्स पसंद नहीं आता है तो, और ये कोर्स आपको एक बहुत बहुत एडवांस इन्वेस्टर बनने में मदद करेगा। अगर आप ऑलरेडी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़े बहुत एडवांस हैं, तो आप ये कोर्स ज़रूर लीजिए। अगर आप बहुत बिगिनर लेवल पर शुरू कर रहे हैं तो आप हमारा कॉम्बो कोर्स ले सकते हैं, फाउंडेशन कोर्स ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स और फंडामेंटल एनालिसिस, इन दोनों का। और इन दोनों भी कोर्सेज पर बहुत ही हेवी डिस्काउंट्स फिलहाल मिल रहे हैं दिवाली ऑफर में और ये ऑफर जल्दी खत्म होने वाली है और इस दिवाली की छुट्टियों का सही उपयोग कीजिए। अशोक लेलैंड की अगर बात करें तो कंपनी हर साल कुछ नया करने की कोशिश कर रही है। कंपनी ट्रक्स और बसेस में तो है ही, कंपनी ने अभी छोटी बसेस जो है स्कूल बसेस उसमें भी बहुत तेज़ी से एक्सपांड करना शुरू किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो स्कूल बसेस में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और साथ ही कंपनी जो है वो गवर्नमेंट के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स को भी बहुत तेज़ी से फुलफिल कर रही है। फाइनेंशियल 2022 में अशोक लेलैंड को 1125 बुलेट प्रूफ व्हीकल्स का कॉन्ट्रैक्ट मिला, साथ ही 600 किट्स उन्हें बनानी थी और ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया। साथ ही उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से 711 एम्बुलेंस का भी कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट था, बहुत तुरंत इसकी डिलीवरी चाहिए थी और अशोक लेलैंड ने टाइम पर इसकी डिलीवरी की, जिसके चलते आने वाले टाइम में उन्हें और भी इस तरह के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि पिछले 1-2 सालों से अपनी इकोनॉमी एक्सपांशन मोड में है तो इसकी वजह से कंपनी का जो बिजनेस है वो भी बहुत तेज़ी से एक्सपांड हो रहा है। पिछले 1 साल में कंपनी का मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल, बस और ट्रक सेगमेंट का बिजनेस 27% से बढ़ा है। लेकिन वही रिसेंटली स्टील की प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और स्टील एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ट्रक्स गाड़ियाँ बनाने के लिए, तो ऐसे में कंपनी की रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है और कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो गई है 11% से 8% पर। अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का मेन बिजनेस तो इंडिया में है लेकिन धीरे धीरे कंपनी अब एक्सपोर्ट पर और बाहर के एक्सपेंशन पर फोकस कर रही है, अफ्रीकन मार्केट को ये टारगेट कर रहे हैं। और साथ ही इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल में एक और इंटरेस्टिंग चेंज किया है, जो भी लोग ट्रक खरीदना चाहते हैं उन्हें कंपनी लोन प्रोवाइड करती है, साथ ही कंपनी ट्रक्स को लीज पर भी देती है। अब दिखने में जो फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस है वो बहुत छोटा लगता है लेकिन एक्चुअल में अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में उसका कंट्रीब्यूशन देखें तो वो 23% है। कंपनी का फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 साल में कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर आपको कम दिखेगी। इसके पीछे रीज़न ये भी है कि बीच में जो 5 साल आए जहाँ पर कंपनी का बिजनेस स्लो हो गया तो उसकी वजह से ही उनका जो एवरेज है ये काफ़ी कम हो गया। लेकिन अगर हम पिछले 3 साल की बात करें रेवेन्यू ग्रोथ की तो वो कंपाउंडेड सालाना बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है more than 25% से, और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 3 सालों में कंपाउंडेड सालाना 58% से ग्रो कर रहा है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर 2020 के एंड में या फिर 2021 की शुरुआत में एंट्री ली थी वो थोड़े फायदे में हैं क्योंकि उन्होंने उस रिकवरी को देख लिया कि इकोनॉमी यहाँ से रिकवर हो जाएगी और कंपनी का बिजनेस अगेन बैक ऑन द ट्रैक आ जाएगा। एक्चुअली होता ये है कि साइक्लिकल बिजनेस में कि कुछ टाइम आपको ऐसा लगेगा कि वो किस किस साइकिल में, कभी कभी जब इकोनॉमी बहुत प्रॉब्लम में होती है तब ये बिजनेस इतना खराब परफॉर्म करने लगते हैं कि आपको शायद लगे कि ये बिजनेस शायद कल बंद पड़ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जैसे ही इकोनॉमी रिकवर हो जाती है उतने ही तेज़ी से ये लोग बाउंस बैक करते हैं, ये इनकी खासियत है। तो इसीलिए यहाँ पर जब आप नॉर्मल इन्वेस्टर हैं तो आप बाकी कंपनीज़ की तरह यहाँ पर एनालिसिस नहीं कर सकते। यहाँ पर या तो आपको टाइम करना पड़ेगा या तो बहुत लंबा चलना पड़ेगा, और बहुत लंबा चलने के लिए फिर आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये कंपनी 10-15 साल बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी।
कंपनी की अगर हम पीईजी रेशो की बात करें तो शायद अभी वो आपको फेयर लगे क्योंकि कंपनी एक एक्सपांशन मोड में है, लेकिन अगर हम आने वाले 2-3 साल के हिसाब से बात करें तो कंपनी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड जरूर है। और अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइक्लिकल कंपनी में कभी भी एक्सपांशन मोड में इन्वेस्ट करना एक सही डिसीजन नहीं होती है। जब कंपनी अपने डाउन मोड में होती है कंप्लीटली तो रिवाइवल से पहले आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि सिर्फ साइकिल पर आप बेट नहीं कर सकते, वो बिजनेस भी स्ट्रांग होना चाहिए अपने आप में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये तो समझ गया होगा कि जो शेयर प्राइसेस हैं ये एक दो डायरेक्शन में क्यों चेंज होते रहते हैं, पर्टिकुलरली ऑटोमोबाइल कंपनीज में। अगर आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कब एंट्री लेते हैं और कितने साल के लिए जनरली होल्ड करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जाते जाते हमारी दिवाली ऑफर को ज़रूर चेकआउट कीजिए, बहुत ही अमेजिंग ऑफर यहाँ पर चल रही है और ये कोर्सेज आपको बहुत मदद करेंगे एक बेटर इन्वेस्टर बनने में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।